क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सवाल पहले मैं करूंगा, क्या मतलब है इस हरकत का? और आपने जो किया वो? बोला ना, सवाल पहले मैं करूंगा। तुम जानती थी ना कि मैं सही से मिलने के लिए उसके स्कूल आने वाला हूं। क्या समझती हो तुम खुद को? बेटी क्या कैमरा मेरे खिलाफ भड़का रही हो मेरी बेटी को? जबान से थोड़ा ऊपर ना दिमाग है, बोलने से पहले ना इस्तेमाल कर लिया करो आप। तुम्हारे पास जो ज्यादा दिमाग है उसका इस्तेमाल कम किया था। सब समझता हूं मैं, बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही हो, यही बात है ना? तुम जानती थी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए जरूर आऊंगा, सब जानती थी। मौका मिल गया तुम्हें मुझे गलत साबित करने का। बोला होगा मेरी बेटी से कि मैं कितना बुरा हूं, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसकी स्पीच सुनने के लिए स्कूल तक नहीं आया मैं, यही बोला होगा ना तुम, और खुद को बहुत महान बनाया होगा। परी मम्मा तो बहुत महान है, कि उसे का कितना ख्याल रखती है, सब लोगों के सामने उसे कितना प्यार करती है, यही बोला होगा ना तुमने। आई एम श्योर यही बोला होगा तुमने उसे। पर अफसोस तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मैं सही की स्पीच सुनने के लिए स्कूल पहुंचा था, उसकी पूरी स्पीच सुनी मैंने, हर एक वर्ड सुना उसका, और ये भी जानता हूं कि वो स्पीच तुमने लिखी थी। मैं 10 मिनट के लिए बाहर गया उसे सरप्राइज देने के लिए, और तुम वहां से चली गई। इतना भी वेट नहीं हुआ तुमसे? क्यों मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही हो? क्यों भड़का रही हो उसे? ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना ना आपका फेवरेट गेम है, मेरा नहीं। तभी आपने मेरी बहन के साथ भी ऐसा किया ना। बात यहाँ पर मेरी बेटी की हो रही है, तुम्हारी बहन की नहीं हो रही है। पर मेरी बहन की बात करनी पड़ेगी आपको, और होगी। आप ये बताइए, मेरी आई के घर अहाना को पीजी बनाकर क्यों भेजा आपने? एक बार भी आपने रीनू के बारे में नहीं सोचा? कुछ करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? तुमसे पूछूंगा क्या कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? वाह, आप अपने मन के मालिक हैं और हम सब आपके गुलाम। क्या चाहते हैं आप? कि आपके इशारों पर नाचे हम? क्यों माने हम आपकी बात? और आपका ना कोई हक नहीं बनता कि किसी और की जिंदगी का फैसला लें आप। गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।